ब्रीद इन ब्रीद आउट। न्यू ईयर पे ना इस बार अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखूंगी। सबसे पहले एक बढ़िया सा जिम ज्वाइन करूंगी। देखो ना, चीक बोन निकलनी चाहिए एकदम, और दिखती तो अच्छी हूँ, मसल वजल भी बन जाएंगे तो सही रहेगा ना यार। वेरी नाइस। यार पैसे नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे तो है। हेलो, आई एम स्पीकिंग विद डॉक्टर बत्रा। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे आपसे पूछना था कि इंसान एक किडनी पे जिंदा रह सकता है ना पूरी जिंदगी? हाँ जी बिल्कुल रह सकता है, मतलब सब कुछ कर सकता है, वर्कआउट सब कर सकती हूँ मैं। हाँ जी, पर एनी प्रॉब्लम? नहीं एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वो मुझे अपनी किडनी ना निकलवानी है, मुझे पैसा चाहिए उसके बदले में, आप रिफंड कर दीजिएगा मेरा किडनी लेके। आई होप देयर इज नो अर्जेंसी। नहीं कुछ अर्जेंट नहीं, वो एक्चुअली मुझे जिम का मेंबरशिप लेना था, और आपको तो पता है कि कितना महंगा है ना यहाँ पे जिम, तो इसलिए सेविंग्स तो वैसे भी होती नहीं है और घर वालों में। तो सर मैं एक काम करती हूँ, अभी आधे घंटे में आ जाती हूँ, आप अभी मेरा पेमेंट पूरा क्लियर कर दीजिए, ठीक है? अरे अरे अभी कैसे हो सकता है, कम से कम 3 दिन तो लगेंगे ना सर। नो सर, आप समझ नहीं रहे, आज 31st है और कल 1st है, मुझे कल से ही मेंबरशिप लेना पड़ेगा, अगर मैं एक दिन भी लेट हो गई ना तो पूरा एक साल आगे खिंच जाएगा। नहीं सर आप समझ रहे ना क्रोनोलॉजी, सर 1 जनवरी से दिसंबर तक का ही तो होता है ये वैलिड, मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है ना सर, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, अगर मैं एक दिन भी लेट हो गई तो फिर तो पूरा एक साल ही लेट हो जाएगा, तो फिर मैं पक्का समझूं मैं आ जाती हूँ अभी। आई थिंक यू मेंटली इल। तो मैं क्या समझूं, आप मेरी किडनी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अबे फोन रख पागल औरत। यार फालतू में डाइटिंग का रिजोल्यूशन ले लिया, बट नो यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। हाँ माँ, छोले भटूरे तैयार हैं। मम्मा मैं डाइट पे हूँ, आपको शर्म नहीं आती पूछते हुए कि मैं छोले भटूरे खाऊंगी? लाइक रियली, मैंने सुबह से तेरे पे चिप्स की हवा खाई है, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगी? वैसे छोले में तो प्रोटीन भी होता है ना, तो छोले तो मैं पी सकती हूँ, आप कटोरी में मुझे एक काम करना, आप छोले दे देना अच्छा भर के एक कटोरी, सो आई थिंक इट विल बी समवेयर अराउंड 260 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली। वैसे अगर मैं छोला एक कटोरी खा रही हूँ, अब मैदा भी तो आटे से ही आता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 2 भटूरे खा सकती हूँ? एक सेकंड मामा, मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ। 1 भटूरे = 260 कैलोरीज, इसका मतलब 2 भटूरे, ओहो कॉपी पे लिखती हूँ, 2 भटूरे = 1000, ठीक है ओके, सो आई थिंक वी आर गुड, बट 1100 कैलोरीज, ओह माय गॉड। मुझे अपने हेल्थी पे एप्लीकेशन पे चेक करना पड़ेगा मेरी कितनी कैलोरीज बची हुई हैं। सो अगर मैं एक कटोरी छोला खाती हूँ और 2 भटूरे खाती हूँ तो मेरे पास बचेंगी 50 कैलोरीज, जिसमें मैं एक्चुअली 2-3 ग्लास पानी पी के सो जाऊंगी, और वैसे भी डिटॉक्स करना अच्छी बात है, तो आप एक काम करो ना, आप मुझे दे दो 2 भटूरे और 1 कटोरी छोले, थोड़े ना सिरके वाले प्याज भी दे देना, बाकी मैं 3 दिन तक स्ट्रिक्ट डिटॉक्स डाइट पर रहूंगी जहाँ मैं सिर्फ पानी पीऊंगी, ठीक है मम्मा? तो आप ले आओ, भूख भी तो लग रही है, टाइम भी हो गया ना डिनर का। इस हिसाब से पैसे खर्च करूंगी ना तो पानी पूरी खाने के भी पैसे नहीं बचेंगे, आज से इसी वक्त से मैं स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, ठीक है? ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ, और अब मैं एक भी पैसा फालतू खर्च नहीं करूंगी। हाय, हैप्पी न्यू ईयर, चल ना पार्टी करने चलते हैं। पार्टी? चलते हैं यार, आज तो पहली तारीख है, आज तो बनता है पार्टी करना यार, कहाँ जाना है? भांडूप यार, भांडूप जाने में तो 200 रुपए तो लग ही जाएगा कम से कम। नो यार, आई कांट कम। ब्रो यू नीड मनी? नो आई हैव मनी। नो ब्रो, एक्चुअली ना मैंने न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लिया कि मैं एक एक पैसा सेव करूंगी, सो आई थिंक पार्टी इज नॉट माय थिंग, इट्स ओके, तू मुझे वीडियो कॉल कर लेना वहां जाके, कोई इशू नहीं है यार, तो तू जा, इट्स ओके। वेकिंग अप टू अ ब्यूटीफुल व्यू एट 4 AM, it feels like heaven here. यार सुबह की हवा ही कुछ और होती है, इतने सालों से मैंने इतना कुछ मिस कर दिया, बट अब से डेली मैं 4 बजे उठूंगी, सच अ नाइस वाइब। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट किया है तो लोगों को मोटिवेट करना तो बनता ही है ना। आई शुड पुट अप अ पोस्ट, #NewYear, #NewYear2020, #NewYearMe, #NewResolution, #4AMClub, #NewMe. क्या इतना जल्दी उठती तो एक काम करती, 2 मिनट आराम ही कर लेती।